दिल्ली शराब घोटाले में केंद्रीय जांच ब्यूरो डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। इसे लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आशंका जताई है कि जांच एजेंसी सीबीआई मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकती है। केजरीवाल ने कहा कि उनके सूत्रों ने उन्हें अपने डिप्टी सीएम की गिरफ्तारी के बारे में संभावना जताई है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया है, उन्हें रविवार को गिरफ्तार किया जाएगा। यह वास्तव में निराशाजनक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सबसे पहले शराब घोटाले जैसी कोई चीज नहीं है, हमने देश में सबसे अच्छी और सबसे पारदर्शी नीति तैयार की है। उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध और साजिश के परिणाम स्वरूप मामले को फंसाया है। मनीष वहां जाएंगे और हम पूरा सहयोग करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिस देश में गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाले और उन बच्चों का भविष्य बनाने वाले जेल में हो और अरबों का घोटाला करने वाले प्रधानमंत्री के जिगरी दोस्त हों, वो देश कैसे तरक्की कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि भगवान आपके साथ है मनीष, लाखों बच्चों और उनके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ है। जब आप देश और समाज के लिए जेल जाते हैं तो जेल जाना दूषण नहीं भूषण होता है। प्रभु से कामना करता हूं कि आप जल्द से जेल से लौटे। दिल्ली के बच्चे, पेरेंट्स और हम सब आपका इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।